रामपुर गांव में हीरा नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। कई दिनों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था। उसकी एक बकरी थी जिसका नाम प्यारी था। हीरा को अपनी बकरी प्यारी से बहुत लगाव था। कई दिनों से हीरा के खेत में फसल ना होने के कारण हीरा के घर में अब एक भी अनाज का दाना नहीं था। देखिए जी, आज कई दिन हो गए हैं, लेकिन घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। कई दिन हो गए हैं और पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है। हाँ, ये देखिए, आ गई आपकी प्यारी। इसकी भूख का तो ख्याल तुम्हें रहता है ना, इसलिए रोज ले जाते हो इसे जंगल। ये तो घास फूस खाकर अपना गुजारा कर सकती है, लेकिन मैं तो घास फूस नहीं खा सकती ना। न जाने वो दिन कब आएगा जब तुम दो वक्त की रोटी मुझे दे सकोगे। अब मुझसे और नहीं सहा जाता, बताई देती हूँ। हाँ, अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। अपने खेत में जो भी फसल बोता हूँ वो होती ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो भाग्यवान, जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ, अगर जल्दी से तुमने कुछ नहीं किया तो मैं ही तुम्हारी टूटी झोपड़ी छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ तुम्हें। अगली सुबह हीरा अपने खेत में चला जाता है और उसकी बकरी उसकी झोपड़ी में ही बंधी होती है और काफी चिल्ला रही होती है। अरे क्या हुआ, क्यों आज सुबह सुबह इतना चिल्ला रही है? मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी, आज तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज तुझे बेचकर कुछ पैसे ही मेरे हाथ आ जाएंगे। कुछ दिनों से कुछ अच्छा भोजन नहीं खाया मैंने, तू किस काम आएगी मेरे। जिसके बाद हीरा की पत्नी बकरी प्यारी को एक चरवाहे के पास बेच देती है और बदले में कुछ पैसे लेकर खुश हो जाती है। शाम को हीरा जब खेत से वापस आता है और देखता है कि उसकी प्यारी बकरी झोपड़ी में नहीं है तो वो दुखी हो जाता है। तभी हीरा देखता है कि उसकी पत्नी बैठकर खूब सारी मजेदार जलेबियां और समोसे खा रही होती हैं। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट, वाह वाह वाह, बहुत ही मजेदार है, आज तो मजा ही आ गया, वाह वाह वाह। अरे भाग्यवान, आज इतनी सारी जलेबियां और समोसे कहां से आए? और मेरी प्यारी कहीं नजर नहीं आ रही है, आखिर कहां है प्यारी? अरे ये जलेबियां और समोसे पास वाली बिमला देकर गई है। हाँ, बड़े मजेदार हैं। हाँ, और भला मुझे क्या पता तुम्हारी प्यारी का, गई होगी जंगल में कुछ चरने। अब भला यहाँ तो उसे कुछ मिलता नहीं है। जाओ जाओ, जाकर ढूंढो अपनी प्यारी को। अरे प्यारी तो कभी जंगल में अकेली जाती ही नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही जाती है। फिर भला उसे आज क्या हुआ, जाकर देखता हूँ उसे। जाओ जाओ, ढूंढो अपनी प्यारी को, उसे बेच कर तो ही तो मुझे आज जलेबियां और समोसे खाने को मिले हैं। हाँ। न जाने मेरी प्यारी कहाँ चली गई है। मेरी प्यारी ठीक तो है, न जाने इस जंगल में कोई जानवर उसे खा तो नहीं गया। अरे प्यारी कहाँ चली गई तो? तभी थोड़ी देर बाद हीरा को उसकी प्यारी बकरी नजर आती है। वह कुछ देर हीरा को देखती है और फिर भागने लगती है। हीरा भी उसे देखकर उसके पीछे भागने लगता है। अरे प्यारी रुक तो सही, आज ये क्या हुआ है तुझे? मैं कहता हूँ रुक जा। अरे प्यारी क्या हुआ है, अरे रुक जा प्यारी रुक जा। लेकिन उसकी बकरी नहीं रुकती और वह जंगल की ओर भागने लगती है। भागते भागते वह एक सुंदर से पेड़ के पास आकर रुक जाती है। अरे अरे, तू भी ना प्यारी, मुझे तो तूने आज डरा ही दिया था। ऐसे अकेले इस जंगल में क्यों चली आई थी? कब से यहाँ ढूंढ रहा हूँ और तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है प्यारी? तभी हीरा को एक बूढ़ी अम्मा की रोने की आवाज सुनाई देती है। हीरा थोड़ा हैरान हो जाता है और आगे चलकर देखता है कि एक बुढ़िया जिसके बहुत ही लंबे लंबे घने काले चमकदार बाल होते हैं उसी सुंदर से पेड़ के पीछे बैठकर रो रही होती है। अरे अम्मा क्यों रो रही हो तुम, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत ही अभागी हूँ। इसी जंगल में कई वर्षों से अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी, लेकिन कल रात एक ऐसी भयानक आंधी आई जिसमें मेरी झोपड़ी तहस नहस हो गई। बेटा, मुझ दुखियारी का इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा?
अरे अम्मा, तुम रोती क्यों हो? तुम दुखी मत हो अम्मा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं बहुत गरीब हूँ, न जाने तुम्हें शायद दो वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाएगी। अरे वाह बेटा, तू कितना नेक दिल इंसान है। आज से तू ही मेरा बेटा है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, तेरे घर जो मुझे भोजन मिलेगा मैं उसमें ही संतुष्ट हो जाऊंगी। बेटा मुझे अपने साथ अपने घर ले चल। अच्छा तो ठीक है माँ, तो मेरे घर में मेरी माँ बनकर ही रहना, मुझे बहुत खुशी होगी। तभी उसकी पत्नी हीरा के साथ बूढ़ी अम्मा को देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे अरे अरे, आज ही किसे ले आए तुम? क्या देखते नहीं हो? आखिर मैं कहती हूँ, कौन है ये बुढ़िया और तुम्हारे साथ क्या कर रही है? अरे भगवान, आज से ये अम्मा मेरी माँ है और हमारे साथ ही रहेंगी। जैसी भी रूखी सूखी रोटी हम खाते हैं माँ भी वही खा लेगी। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हें जंगल से अपने साथ ले आया। अरे वाह, ये भी कोई बात हुई भला? क्या जानते नहीं हम दोनों का ही गुजारा कितनी मुश्किल से हो पाता है, और एक और मुसीबत लेकर आ गए। अच्छा अच्छा भाग्यवान, अब गुस्सा मत करो, आज से ये ही मेरी माँ है, इनका इस दुनिया में और कोई नहीं। जाओ रसोई में जो भी खाने को हो वो अम्मा के लिए ले आओ। खुद एक वक्त की रोटी नहीं खा पाते, ऊपर से ले आए इस अम्मा को यहाँ। अरे घर में तो कुछ नहीं है सिवाय कुछ चावल के दानों के, भला उनसे इस अम्मा का पेट थोड़े ही भरेगा? तुम भी न जाने किसे ले आए, खुद एक वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं, ऊपर से ले आए इस अम्मा को यहाँ। अरे बिटिया, मैं उन थोड़े से चावल के दानों से ही अपनी भूख मिटा लूंगी, तुम दुखी मत हो, मुझे बस वही चावल के दाने लाकर दे दो। अच्छा अच्छा ठीक है, लाकर देती हूँ तुम्हारे लिए चावल के दाने। मैं भी तो देखूं भला बहुत ही कम मात्रा में चावल के दानों से तुम अपनी भूख कैसे शांत करोगी। तभी हीरा की पत्नी अंदर रसोई में जाती है और एक पतीले में जिसमें बहुत ही कम चावल के दाने होते हैं अचानक से चावल के दानों से भर जाता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। अरे अरे, ये कैसे हुआ? ये तो एक चमत्कार है। हाय, इतने सारे चावल के दाने, अरे बाबा, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर हीरा आ जाता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ, इतने सारे चावल के दाने? हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ आखिर? जिसके बाद हीरा की पत्नी बूढ़ी अम्मा को खूब सारे चावल एक थाली में दे देती है, जिसके बाद अम्मा वह चावल बड़े चाव से बैठकर खाती हैं। तभी हीरा की पत्नी बूढ़ी अम्मा के लंबे लंबे बाल बड़े ध्यान से देखती है, जो काफी चमक रहे होते हैं। अरे वाह, इस बुढ़िया के बाल तो कितने लंबे और चमकदार है। वाह वाह, इतने सुंदर बाल, इस जैसे बाल तो पूरे गांव में किसी के नहीं है। हाँ, अरे वाह वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट भोजन है। वाकई हीरा बेटा, मेरी आत्मा को शांति मिल गई। वाह वाह, बहुत ही मजेदार। आज तो न जाने कैसे ये चमत्कार हुआ और इन चावलों से हमारा पेट भर गया, लेकिन कल क्या होगा, कल कैसे हमारी भूख मिटेगी? तभी बूढ़ी अम्मा अपनी पल की झपकाती हुई मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद जब हीरा और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं, तभी बूढ़ी अम्मा रसोई में जाती हैं और हीरा की पत्नी भी चुपके से उठकर बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे जाती है। तभी बूढ़ी अम्मा के बाल अचानक से और लंबे हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा अपनी आंखों की तेज रोशनी से रसोई में रखे खाली डिब्बों में खूब सारा आटा, चावल, दाल सब कुछ डिब्बों में भर देती है। अरे अरे, ये क्या, ये चालाक बुढ़िया तो कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, ये तो जादू ही है। इसके बाल अचानक से इतने घने कैसे हो गए? कहीं ये जादुई चुड़ैल तो नहीं जिसके बाल लंबे होते हैं? हाय, न जाने ये मेरी झोपड़ी में किस इरादे से आई है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, तभी थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से हीरा की झोपड़ी से पानी टपकने लगता है। हीरा और उसकी पत्नी ये देख कर घबरा जाते हैं। अरे अरे, ये क्या, इस बारिश को भी अभी आना था, अब हम क्या करेंगे, हमारी टूटी झोपड़ी में से बरसात का पानी टपक रहा है। हाय हाय, अब हम क्या करेंगे जी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा,
क्या करेंगे, इस बरसात के टपकते पानी में ही हमें रात बितानी होगी। इस बरसात को भी अभी आना था। हाय हाय। अगली सुबह हीरा जब उठता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी टूटी झोपड़ी के सामने बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं। अरे भाग्यवान, जल्दी आओ, ये देखो हमारी झोपड़ी के सामने आखिर इतनी सारी ईंटें आई कहाँ से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे, मुझे तो लगता है ये भगवान का चमत्कार है, उन्होंने हमारी सुन लीजिए। इन ईंटों से तुम अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को एक पक्के घर में बदल दो। हाँ बस, और मुझसे रहा नहीं जाता इस टूटी झोपड़ी में। अरे हाँ हीरा बेटा, लगता है ये भगवान की ही मर्जी है, तू इन ईंटों से अपनी टूटी झोपड़ी को पक्का कर ले। जिसके बाद हीरा खुशी से सिर हिलाता हुआ उन ईंटों से अपना घर बनाने लगता है और देखते ही देखते बहुत सुंदर सा घर बन जाता है। अरे बाबा, हमारा कितना सुंदर घर बनकर तैयार हो गया जी, देखिए तो ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। अरे बाबा। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमारा घर देखो तो सही कितना सुंदर है। हाँ बेटा, देख रही हूँ। हीरा बेटा, तेरा घर तो बहुत सुंदर है। वाह वाह, सब ऊपर वाले की मर्जी है बेटा, उसके खेल निराले हैं बेटा। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा हंसने लगती हैं। मुझे तो लगता है ये जादू भी इस जादुई चुड़ैल बुढ़िया का ही है। अब मुझे जल्दी कुछ करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों को खा जाए। नहीं नहीं, मुझे जल्दी ही इस जादुई चुड़ैल का पता लगाना ही होगा। आधी रात को जब बूढ़ी अम्मा सो रही होती है, तभी चुपके से हीरा की पत्नी अपने हाथ में एक बड़ी सी कैंची लेकर सोती हुई बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। अब आएगा मजा, अब देखती हूँ इस जादुई चुड़ैल के लंबे घने बालों में कोई जादू है। मैं इसके ये बाल ही काट दूंगी। हाँ फिर देखती हूँ कैसे दिखाती है अपना जादू। और उस बूढ़ी अम्मा के सारे बाल काट देती है, जिसके बाद हीरा की पत्नी वहाँ से चली जाती है। और तभी बूढ़ी अम्मा की आँख खुलती है और वो शीशे में अपने बाल को देख कर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ये पगली भीना बहुत ही ना समझ है, अभी जानती नहीं है मुझे, मैं कोई साधारण बुढ़िया नहीं हूँ। तभी बुढ़िया की जादुई शक्ति से उसके बाल फिर से लंबे हो जाते हैं। अगली सुबह जब हीरा की पत्नी बूढ़ी अम्मा को छुप कर देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे अरे अरे, ये क्या, इस जादुई चुड़ैल बुढ़िया के बाल फिर से आ गए। हाय ये क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो कोई बड़ी मायावी चुड़ैल लगती है, इसका तो मुझे पता ही लगाना पड़ेगा। तभी आधी रात को बूढ़ी अम्मा सो रही होती हैं और हीरा की पत्नी छुप कर उसे देख रही होती है। तभी अचानक से बूढ़ी अम्मा अपनी आंखें खोलती हैं और बाहर जंगल की ओर जाने लगती हैं। हीरा की पत्नी भी बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे जाने लगती है और तभी वह देखती है कि बूढ़ी अम्मा जंगल में तालाब के पास जाती है और अचानक से उस तालाब के पास जाकर एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाती है, जो बहुत सारे जेवर पहने होती है। और तभी तालाब में एक छवि आती है जो दिखने में बहुत ही भयानक होती है। प्रणाम रानी परी, अब आपका समय धरती लोक पर थोड़ा ही शेष बचता है। आप एक जादुई नगरी से हैं और परियों की रानी भी, जादुई नगरी को आपका इंतजार है। मैं जानती हूँ, अब मेरा मनुष्यों के बीच एक साधारण मनुष्य बनकर रहने का समय समाप्त होने को है, लेकिन जितना भी समय बचता है मैं अपने बेटे हीरा के साथ बिताना चाहूंगी। हीरा बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान है, मैं बहुत जल्दी ही जादुई नगरी वापस आ जाऊंगी। जी रानी परी, जो आपकी इच्छा, अब मैं चलती हूँ। जिसके बाद छवि वहाँ से गायब हो जाती है। तभी हीरा की पत्नी जो छुप कर देख रही होती है, अरे अरे, इसका मतलब ये बुढ़िया जादुई चुड़ैल नहीं बल्कि जादुई नगरी की परियों की रानी है। अरे वाह वाह, कितने अच्छे भाग्य हमारे। अब मुझे समझ आ गया, मैं इन परियों की रानी को ऐसे नहीं जाने दूंगी। थोड़ी देर बाद हीरा की पत्नी अपने घर आती है और हीरा को सारी बात बताती है। अरे मालती, तुम ये क्या बोल रही हो, क्या सच में माँ कोई जादुई नगरी की रानी परी है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, वो परियों की रानी रानी परी है। हाँ
देखो अम्मा, अब मुझे पता चल गया है, तुम कोई साधारण अम्मा नहीं हो, बल्कि एक जादुई नगरी की रानी परी हो। बूढ़ी अम्मा हैरान हो जाती हैं। इतना सुनते ही बूढ़ी अम्मा फिर से वही सुंदर रानी परी का रूप धारण कर लेती है। हीरा यह सुनकर बहुत हैरान होता है। अरे माँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुमने अचानक से अपना रूप कैसे बदल लिया? ये सच है हीरा बेटा, मैं जादुई नगरी से परियों की रानी रानी परी हूँ, जो इस धरती पर कुछ दिन मनुष्यों के बीच रहने आई थी और एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर मैं कुछ दिन रह पाऊँ। उस दिन जब मैंने तुम्हें जंगल में अपनी बकरी के लिए रोते देखा तो मुझे यह अनुभूति हो गई थी कि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल और नेक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ ही अपने कुछ दिन धरती लोक पर बिताऊं। तुम जिस बकरी के पीछे मेरे पास आए थे वो तुम्हारी बकरी नहीं थी, तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हारी बकरी को एक चरवाहे को बेच दिया था। जिस प्यारी से तुम उस दिन जंगल में मिले और अपने साथ लाए वो मेरी माया थी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी बेटा, तुम एक नेक दिल इंसान हो जिसके साथ मैं कुछ दिन इस धरती लोक पर रह सकती थी, इसलिए ही मैंने अपना भेष एक बुढ़िया के रूप में बदल लिया और यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली आई। हीरा यह सुनकर बहुत हैरान होता है। रानी परी, धन्य भाग है मेरे जो आप मेरे साथ मेरी माँ बनकर रहने आई। आपको अपनी माँ के रूप में पाकर मुझे बहुत खुशी हुई रानी परी। देखो रानी परी, तुम तो जानती ही हो तुमने इतने दिन हमारे साथ बिताए हैं, तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तुम जादुई नगरी से हो, मेरे पति ने तुम्हें अपनी माँ समझा है, इसलिए तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। हाँ, आखिर क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं अवश्य ही पूरा करूँगी, बताओ मुझे। तभी हीरा की पत्नी काफी सोच में पड़ जाती है और दो मिट्टी के घड़े लेकर आती है। ये रहे मिट्टी के घड़े, तुम इन दोनों घड़ों को धन और सोने चांदी से भर दो। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। हाँ, इतना धन पाकर तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। हाँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जरूर तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगी बेटी, लेकिन इन दोनों मिट्टी के घड़ों में से तुम्हें सिर्फ पहले घड़े को ही छूना है, क्योंकि उसी में तुम्हारे लिए इतना धन और सोना चांदी होगा जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा। दूसरा मिट्टी का घड़ा लालच का घड़ा है, इस घड़े को तुम हाथ मत लगाना वरना अच्छा नहीं होगा बेटी। और तभी देखते ही देखते दोनों मिट्टी के घड़ों में सोने चांदी भर जाते हैं। हीरा की पत्नी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना सारा सोना चांदी! वाह वाह, अब तो मैं बहुत अधिक धनवान हो जाऊंगी। अच्छा हीरा बेटा, अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया है, तुम्हारे साथ कुछ दिन बिताकर मुझे आनंद मिला, लेकिन मालती बेटी तुम ध्यान रखना, जो भी मैंने तुमसे कहा है इन दोनों घड़ों में से केवल पहला घड़ा ही छूना, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। अरे बाबा, कितना सारा धन! अब जरा इस धन से भरे घड़ों को छू कर तो देखो। वाह वाह वाह, कितना सारा धन! अब तो मैं पूरे गांव में सबसे अधिक धनी हो जाऊंगी। और पहला घड़ा उठाती है और बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर हीरा की पत्नी की नजर दूसरे घड़े पर पड़ती है जो सोने और चांदी से चमक रहा होता है। अरे वाह वाह, ये धन का दूसरा घड़ा तो बहुत चमक रहा है। अरे वाह, अगर इस मटके का धन भी मेरा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, मैं और धनी हो जाऊंगी। नहीं नहीं मालती, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें याद नहीं रानी परी ने क्या कहा था? दूसरा घड़ा लालच का घड़ा है, तुम्हारे हाथ लगाने से इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, ऐसा मत करो मालती। अरे तुम चुप करो, क्या देखते नहीं हो कितना सारा सोना चांदी है इस दूसरे घड़े में भी? अगर ये भी मेरा हो जाए तो मैं सबसे अधिक धनवान हो जाऊंगी। जिसके बाद हीरा की पत्नी जैसे ही वह घड़ा उठाती है, अचानक से सारा सोना चांदी काले रंग के कीड़ों में बदल जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? हाय हाय हाय, सही कहा था रानी परी ने मुझे, लालच के घड़े को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। हाय हाय, मेरे अधिक धन पाने के लालच के कारण ही ये सब हुआ। ये तुमने क्या किया मालती? रानी परी ने कहा था दूसरा घड़ा मत छूना, लेकिन तुम्हें तो सबसे धनवान होना था, देखा तुम्हारे लालच ने क्या कर दिया।